लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ आलोक राजपूत एक बार फिर आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेकर उपस्थित हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रोबायोलॉजी विषय का पहला यूनिट जो है उसमें एक टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने डिस्कवरीज माइक्रोबायोलॉजी में दी है, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। सो सबसे पहले जो वैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है एंटनी वैन ल्यूनवैन हुक। सो रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली हम जिस साइंटिस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं उनका नाम है एंटनी वैन ल्यूनवैन हुक। इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कई सारे वैज्ञानिकों का हम लोग डिस्कशन करते हैं साइंस में, एग्जाम्पल के तौर पर आपने नाम सुना होगा जूलॉजी के फादर जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटनी वैन ल्यूनवैन हुक के नाम से जाने जाते हैं। सो एक्चुअली इन्होंने किस तरीके की डिस्कवरी की उसको हम डिस्कस करते हैं। सो एंटनी वैन ल्यूनवैन हुक कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट एक्नॉलेज माइक्रोस्कोपिस्ट। वैन ल्यूनवैन हुक वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यूजिंग सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप्स ऑफ हिज ओन डिजाइन। सो एक्चुअली ल्यूनवैन हुक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व किया। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट कोच ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वुडन के माध्यम से लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, लेकिन ल्यूनवैन हुक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व करने का काम किया। सेकेंड, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें जिन्हें हम स्पेलजोनी के नाम से भी जानते हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी इस बात को मैंने डिस्कस किया था कि स्पेलजोनी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पॉन्टीनियस जनरेशन की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया था। स्पॉन्टीनियस जनरेशन का बड़ा सीधा सा मतलब होता है अजीवात जनन की हम बात करते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों का ऐसा तर्क था कि इस धरती के ऊपर जीवन अपने आप आ गया है। उसमें कहीं ना कहीं अरस्तु जैसे वैज्ञानिकों ने भी अपने मत दिए थे कि इस धरती के ऊपर जो जीवन है वो स्पॉन्टीनियसली अपने आप ही उत्पन्न हो गया है। तो अल्टीमेटली स्पेलजोनी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पॉन्टीनियस जनरेशन की थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित करने का प्रयास किया था। तीसरे वैज्ञानिक का हम लोग डिस्कशन करते हैं जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की। आज के टाइम पीरियड में हम अलग अलग रोग को रोकने के लिए या रोगकारी जीवाणुओं को उनके प्रभाव को रोकने के लिए हम डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन प्रोसेसेस का उपयोग करते हैं, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके प्रिंसिपल को सबसे पहले साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने प्रतिपादित किया था। इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर लें, एडवर्ड जेनर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं हम लोग, सैमुअल वीस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, चेक करते हैं हम लोग। सो सैमुअल वीस के बारे में बोला गया कि एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड द डॉक्टर्स वॉशिंग देयर हैंड्स विद क्लोरीन सॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मोर्टैलिटी ऑफ वुमन गिविंग बर्थ इन द हॉस्पिटल सेटिंग। सो एक्चुअली सैमुअल वीस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात को रखा कि यदि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्लोरीन का उपयोग करते हैं अपने हैंड वॉश के फॉर्म में, या ये कह लें कि स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस का उपयोग करते हैं, तो जो बर्थ या ये कह लें कि जो प्रेग्नेंट वुमन हैं उनकी मोर्टैलिटी रेट को कम किया जा सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात सैमुअल वीस ने बताई, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि यदि सर्जरी वार्ड में डॉक्टर्स क्लोरीन सॉल्यूशन का उपयोग कर सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर वुमन्स की मोर्टैलिटी रेट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। इन्होंने
अल्टीमेटली ग्राम स्टैनिंग को प्रतिपादित किया है, या ये कह लें कि ग्राम स्टैनिंग की जो थ्योरी थी उसको प्रस्तुत किया। क्रिश्चियन ग्राम ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी थ्योरीज में इस बात को शामिल किया गया कि ग्राम स्टैनिंग के आधार पर जीवाणुओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इस पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। क्रिश्चियन ग्राम का ये कहना था कि बैक्टीरिया को स्टेनिंग के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की तुलना में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक के प्रति इनमें रेजिस्टेंस पावर होती है। सो अल्टीमेटली क्रिस्टन ग्राम के आधार पर जीवों को या बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है या कैसे बताया जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव एक दूसरे से डिफर करते हैं। सामान्य तौर पर क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की तुलना में काफ़ी अलग है। उसके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक घटक दोनों आपस में काफ़ी डिफर करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर चलते हैं हम लोग, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिनका नाम है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने अल्टीमेटली स्टरलाइजेशन टेक्निक को प्रस्तुत किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्टरलाइजेशन टेक्निक के अंतर्गत हम तीन प्रकार की विधियां पढ़ते हैं। फिजिकल टेक्निक्स हम लोग पढ़ते हैं, या फिजिकल मेथड पढ़ते हैं, केमिकल मेथड पढ़ते हैं, और रेडिएशन पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न जनरेट होता है कि एक्चुअली स्टरलाइजेशन का मतलब होता क्या है। स्टरलाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, या ये कह लें कि किसी भी प्रकार की रिसर्च लेबॉरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी लेबॉरेटरी में, या बायोटेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी के अंदर किसी भी प्रकार के यदि आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो आप जिन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिन ग्लासवेयर्स का उपयोग कर रहे हैं, वो पूरी तरह से माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए। यदि हम मेडिकल की भाषा में बात करें, तो यदि सर्जिकल वार्ड में, जिसे हम ओटी कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर कोई डॉक्टर सर्जरी के लिए जा रहा है, तो वो जिन भी उपकरणों का उपयोग करता है वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड होना चाहिए या बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। सो अल्टीमेटली स्टरलाइजेशन की जो टेक्निक सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले थे वो थे साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, और इनका ये कहना था कि स्टरलाइजेशन के बिना यदि आप किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो फेल हो सकते हैं। स्टरलाइजेशन की तीन टेक्निक्स जनरली मैंने बोला, फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड, और रेडिएशन के माध्यम से हम माइक्रोब्स को पूरी तरह से किल कर सकते हैं। तीनों प्रकार के जो मेथड्स हैं उनको डीपली पढ़ने के लिए आगे के लेक्चर्स का हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको स्टरलाइजेशन के सभी जो तीनों टेक्निक्स हैं उसको डीपली डिस्क्राइब करूंगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर चलते हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिनका नाम है लुईस पाश्चर। सो लुईस पाश्चर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो प्रोसेसेस थी उनको सपोर्ट किया। फूड सेफ्टी एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन अ की प्रोपोनेंट ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। सो अल्टीमेटली लुईस पाश्चर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने फूड सेफ्टी और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जैसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको प्रस्तुत करने का काम किया। ये पिछली क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का बड़ा सीधा मतलब होता है, पाश्चर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि किसी भी रोग का कारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी प्रस्तुत किया कि अगर हम फूड की बात कर रहे हैं या खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो खराब होने लगते हैं, या ये कह लें कि माइक्रोबियल अटैक्स के माध्यम से हमारे जो फूड हैं वो खराब हो सकते हैं, उनका टेस्ट खराब हो सकता है। अगर आप मार्केट में पहुंचते हैं और हमें कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दिखाई देते हैं जब हम परचेस करने के लिए जाते हैं, और उनकी क्वालिटी यदि खराब होती है, इसका बड़ा सीधा मतलब है कि उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक्स हुए हैं। ये सबसे पहले हमें लुईस पाश्चर साहब ने हमें बताया कि फूड सेफ्टी
या फूड को कैसे सेव किया जा सकता है, माइक्रोब्स से कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, और अल्टीमेटली लुईस पाश्चर ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें जर्म थ्योरी को प्रस्तुत करने का काम किया। अगले वैज्ञानिक की ओर चलते हैं हम लोग, सर रोनाल्ड रॉस हैं। 1902 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और खास तौर पे जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन डिपार्टमेंट में मिला था, बिकॉज की इस क्षेत्र में इन्होंने ये हमें बताया कि किस तरह से मलेरिया मॉस्किटो के माध्यम से फैलता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें ये बताया कि एक्चुअली मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, और एक्चुअली प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने बोली है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम होता है, और एक्चुअली प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर की लारी ग्रंथियों में या सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ये सबसे पहले हमें सर रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया। अगले वैज्ञानिक की ओर चलते हैं हम लोग, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, नाम है इनका रॉबर्ट कोच। सो 1905 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर वर्क ऑन ट्यूबरकुलोसिस, आइडेंटिफाई कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड एंथ्रैक्स। सो रॉबर्ट कोच एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव एजेंट को ढूंढा या प्रस्तुत किया, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई। रिपीट कर रहा हूं मैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि टीबी नामक बीमारी को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हमें साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने हमें बताया कि एक्चुअली टीबी का कॉजिटिव एजेंट कौन है। नेक्स्ट एक और डिसीज हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर, कोलेरा। तो कोलेरा जो कि कहीं ना कहीं लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसीज है, इसके लिए कोलेरा विब्रियो नामक सूक्ष्म जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सबसे पहले हमें रॉबर्ट कोच ने बताया। और एंथ्रेक्स जो कि कैटल्स में, या ये कह लें कि हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनमें फैलने वाला एक रोग है जो कि बैसिलस एंथ्रियासिस के कारण होने वाला रोग है, ये सबसे पहले हमें रॉबर्ट कोच साहब ने बताया। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में स्टडी की कि पर्टिकुलर कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी रिसर्च को माइक्रोबायोलॉजी में रखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के जो भी वैज्ञानिक रह गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।